दोस्तों, आप सभी को साजन का नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल हमारी दुनिया में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं बन जाए आपकी भी बात, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल हमारी दुनिया में हमारे साथ। दोस्तों, आप जो इस वीडियो पर आए हो तो जाहिर सी बात है और सीधा मतलब है कि आप अमीर और कामयाब बनना चाहते हो। आप अपने आप को अमीर और कामयाब लोगों की कैटेगरी में रखना चाहते हो। तो दोस्तों, अगर मैं सच कह रहा हूँ और ऐसी ही बात है, तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर आखिरी तक देखने, सुनने और समझने की कोशिश कीजिएगा। और मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि अगर आप में सचमुच अमीर और कामयाब बनने की आग है, तो ये वीडियो आपको ज़रूर अमीर और कामयाब बनाकर ही छोड़ेगा। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अमीरी और कामयाबी की तरफ। दोस्तों, आज हम अमीर और कामयाब होने के एक ऐसे तरीके के बारे में जानेंगे जो हमें हर पल हर कदम अमीरी और कामयाबी की तरफ ले जाएगा, और ये तरीका हर एक के लिए कारगर है। बस ज़रूरत है तो इसे हमेशा ध्यान में रखने की और इसे हमेशा अपने अंदर आग की तरह जलाए रखने की। दोस्तों, हम अक्सर यही सोचते रहते हैं कि कैसे अमीर बना जाए, कैसे कामयाब हुआ जाए। दोस्तों, इन दोनों सवालों का जवाब आज इस वीडियो के जरिए आपको मिल जाएगा। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि इन सवालों का जवाब हम में से हर एक के पास है। दोस्तों, हमें अमीर और कामयाब बनाने वाले हमारे अपने या हमारे आसपास के लोग ही होते हैं। वो कैसे, ये मैं आपको बस कुछ ही देर में समझाता हूँ। दोस्तों, दोस्त हो या दुश्मन, दोनों ही हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। खासकर दुश्मन हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकते हैं। अगर हम अपनी सोच में थोड़ा सा बदलाव लाएं और निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हुए अपने अंदर की आग को बुझने ना दें, उसे जलाए रखें। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोगों का मानना है कि हमें सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाने वाला हमारा दुश्मन ही होता है, मगर अगर हम अपनी सोच की दिशा बदल दें तो जिसे हम अपना दुश्मन समझते हैं या जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, वो हमारी कामयाबी और हमारे अमीर बनने का सबसे अहम और ख़ास व्यक्ति बन सकता है। दोस्तों, हम जिन्हें अपना दुश्मन समझते हैं या जो हमारे दुश्मन हैं, वो हमारे जीवन का आईना होते हैं, हमारे स्वभाव, हमारी परिस्थितियों का दर्पण होते हैं, जो हमें हमारी हकीकत, हमारी सच्चाई से हमें अवगत कराते हैं। चाहे भले ही हमें कड़वा या बुरा भले ही लगे, मगर दुश्मन हमें हमसे मिलाने का काम करते हैं। और मेरा मानना ये है कि अगर कोई हमारा दोस्त है तो हमारा दुश्मन भी कोई ना कोई ज़रूर होता ही है, और वही हमें कामयाब और अमीर बनाएगा। दोस्तों, अक्सर हमारा दुश्मन हमारी बुराई करता है, हमारी कमियों को दिखाता है, हमारी परिस्थितियों से हमें अवगत कराता है, हमारा मजाक उड़ाता है, हमें अक्सर पीन मारता रहता है। इस पर हम क्या करते हैं, उससे लड़ने झगड़ने लगते हैं, उसे बुरा भला कहने लगते हैं, और यही हम अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती करते हैं। दोस्तों, उससे लड़ने झगड़ने की बजाय ऐसे दुश्मन का हमें दिल से धन्यवाद देना चाहिए और उसकी द्वारा दिखाए हुए कमियों को
हमें पूरा करना चाहिए या उसके द्वारा बताई गई बुराइयों को हमें सुधारना चाहिए। दोस्तों, मान लो आपका कोई दुश्मन है, वो धन दौलत के मामले में आपसे 10 गुना अमीर है और उसने आपका मजाक उड़ाते हुए आपसे ये कहा कि जितनी कमाई मैं 1 साल में कर लेता हूँ उतना तो 7 जन्मों में भी नहीं कर सकता, तो आप उस समय क्या करोगे या हम क्या करते हैं? उससे लड़ने झगड़ने लगते हैं या फिर उसका बुरा करने की, उसे नुकसान पहुंचाने की ठान लेते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। दोस्तों, मज़ा तो तब है जब हम उसकी, हमारे प्रति की हुई बुराई को अच्छाई में बदल दें। उसने हमें जो चैलेंज किया है उसको पूरा करके दिखा दें। मगर अक्सर होता ये है कि हम कुछ दिन या कुछ घंटे इस बात को ध्यान में रखते हैं और फिर भूल जाते हैं। उसकी कही हुई बातों को इग्नोर करते हुए अपने दोस्तों यारों के साथ फिर से मजाक मस्ती में लग जाते हैं, जबकि होना तो ये चाहिए कि हमें उसकी इस गलत फहमी को दूर कर देना चाहिए जो उसके मन में है, जिसके लिए उसने हमें चैलेंज किया है कि जितना वो 1 साल में कमा सकता है उतना हम 7 जन्मों में भी नहीं कमा सकते। दोस्तों, अपने दुश्मन द्वारा हम पर किए गए कटाक्ष को अगर हम अपने पूरे कॉन्फिडेंशियल डेडिकेशन के साथ पूरा करने में लग जाते हैं तो हम अमीर या कामयाब बनने से हमें कोई नहीं रोक सकता। बस ज़रूरत है तो हमें खुद से ईमानदार रहने की और अपने दुश्मन द्वारा दिए गए डीमोटिवेशन को मोटिवेशन में बदलने की और एक्टिव रहने की। दोस्तों, आपने अपनी लाइफ में बहुत से ऐसे लोगों को देखा होगा जो 0 से शुरुआत करके आज अमीर और कामयाब बन चुके हैं। क्या आप जानते हैं या आपको इस बात का अंदाज़ा भी है कि जिसके पास कुछ महीने या कुछ साल पहले 1 रुपया भी नहीं था आज वो अमीर और कामयाब बन चुके हैं, क्योंकि उनको भी किसी ने कभी पीन मारा था, उनका मजाक उड़ाया था, उनको चैलेंज किया था और उन लोगों ने उनके इस मजाक को सीरियसली लिया और खुद को उनसे भी बेहतर बना डाला। तो दोस्तों, अगर आपको भी कभी किसी ने पिन मारा है, आपका मजाक उड़ाया है, तो यही मौका है खुद को साबित करने का। और मुझे विश्वास है कि आप खुद को साबित करके दिखाओगे, क्योंकि अब बात आपके आन बान शान और स्वाभिमान की है। तो दोस्तों, उठो, आगे बढ़ो और खुद को साबित करके दिखा दो कि आप में भी अमीर और कामयाब होने की काबिलियत है। और जिस दिन और जिस समय आपने कुछ कर दिखाने का प्रण ले लिया तो यकीन मानो उसी दिन से आपके लिए अमीरी और कामयाबी के दरवाजे खुलने लगेंगे और आपको इतना मिलने लगेगा जितना आप सोच भी नहीं सकते।